हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको दिखाएंगे हमारे खेत के कुछ नज़ारे। तो बारिश के टाइम कस्टर डाली थी, वो कस्टर की खेत है और नीचे वाले भी खेत में कस्टर डाली हुए। और ये हमने अपनी पानी के स्टोरेज के लिए जो टैंक थी उसके बाजू में ये सब जो बेर रहते हैं, जिसको हमारी भाषा में गुजराती में बोर बोलते हैं, तो ये बोर की 4-5 पौधे हैं जिसमें इस तरह के बड़े बड़े बोर अभी हुए हैं। तो देखते हैं इसका स्वाद कैसा है। देखिए, एकदम नेचुरल बिना कोई केमिकल से पके हुए ये बोर है। इसका टेस्ट देखते हैं कैसा है। एकदम बढ़िया टेस्ट है और एकदम मीठा है। और इस तरफ हमारे गेहूं के खेत है, देखिए एकदम आलीशान दिख रहे हैं, एकदम सुंदर दृश्य। ये अभी 1-2 महीने के बाद जब इसकी कटाई होगी तब भी हम आपको वीडियो बताएंगे कि सब गेहूं है। इस तरफ हमने कस्टर्ड डाले हैं जो एरंड बोलते हैं। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और अभी भी आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये हमारा टॉमी जो हमने 2-3 साल से पाल के रखा है। ये ऐसे देसी कुत्ता है, कोई विदेशी नस्ल का नहीं है। और ये पूरी खेतवाड़ी में रखेवारी करता रहता है। बोला हाँ, कैसे हो? ये हमारे कस्टर जो अभी ये कच्ची है, इसको काट के हम यहाँ सूखने देते हो। इसके बाद इसको सूखने के बाद इसका जो हार्वेस्टर रहता है उससे हम उसको निकालते हैं। और इसकी 40 केजी की 2,800 से 3,000 के आसपास अभी इसकी मार्केट है, तो अच्छी मार्केट है अभी। तो इस तरह से हम ये इसकी कस्टर की एरंड की हार्वेस्टिंग करते हैं। क्या है, अभी ये चाय का टाइम हो गया है शाम के समय, तो गर्मा गर्म चाय पीते हैं, खेत पे बनाई हुई चाय। और ये देखिए सब्जियों की, जिसको वाल बोलते हैं, वालोर हमारे गुजराती भाषा में से वालोर बोलते हैं, ये उसकी फली है। इससे अभी ठंडी के टाइम में सब्जी भी बनती है। और ये भी हमने डाली है। और ये है तुअर दाल, ये आपको दिखाता हूँ, ये तुअर दाल है, ये भी हमने अपने खेत में डाली है। तो इससे क्या होता है, घर पे जो सब्जियाँ साग बनेंगे वो सब अपने ही खेत से लाए होंगे होंगे। ये देखिए ये वालोर है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। और चैनल में अभी नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम इसी तरह से खेती के आधारित, फार्मिंग के आधारित नए नए वीडियो आपको देते रहेंगे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।